ये लड़की अपनी मोटी अकल लेकर हॉलीवुड से भागकर यहाँ आई, तुम्हारी गाड़ी चुराकर इसने टक्कर मारी। वल्ला आंटी, मुझसे नहीं हुआ, यानी जो चेहरा मुझे याद था वो ऐसा ही था। अकान, तुम्हें पता है ना कितना संजीदा मसला है ये? उस बच्ची को हिट करने की सजा मिलेगी, पता है ना इस बात का? पता है भाईजान, पता है मुझे। यकीन करें, अगर मैं इससे ज्यादा सोचूंगा तो मेरा सर फट जाएगा। हाय, मेरे प्यारे बेटे का सर फट जाएगा। अब बस भी करें आप सब। जियो बेटा, क्लब की रिकॉर्डिंग का क्या बना, मिली क्या? उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं। हकान, अब भले तुम्हारा सर ही क्यों ना फट जाए, लेकिन उस रात को तुम्हें याद करना ही होगा। चलो ठीक है हकान, मुझे यकीन है तुम पर। ओ खुदा, मैं इस गम से मर जाऊंगी अब। अल्लाह मेरी किस्मत फिर से लिख दे। जिस खूबसूरती से तूने मुझे नवाजा है वो ले ले और अच्छी किस्मत दे दे। बरिश, मैं ढूंढ लूंगा यार, परेशान क्यों हो रहा हो, यकीन करो मेरा। और अगर ऐसली को तब तक गाड़ी मिल गई तो क्या, हम उसे नहीं समझा सकते, पॉसिबल नहीं है। जानता हूं मैं यार, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यकीन करो मेरा, वादा करता हूं। माली आ गई है। क्या बो रही हैं ऐसे? टमाटर, मिर्ची और सलाद का सामान। आपा, ये सब तो बाजार से मिल जाता है। मेरे ख्याल से आप इस जगह पर ऑर्चर्ड लगा लें। ओ खानदान, तुम भी ना। अय आपा, क्या जब मेरे बेटे के पास चलें? आहा, अच्छे बेटे का जिक्र करें तो वो आ जाता है। बताओ आज पूरा दिन क्या किया तुमने? आज तो मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बैठा रहा हूँ मैं। क्या करेगा वो आपा? परेश भाई से माफी मांगी तुमने, उसने माफ कर दिया? माफ तो कर दिया है उसने, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि ये दोबारा ऑफिस ना ही आए तो बेहतर होगा। हाय, वो क्यों? तुम्हारे इस प्यारे शहजादे ने कोई ना कोई बेवकूफी जरूर की होगी। जल्दी बताओ टियो, इसने आज क्या किया है? ये ऑफिस दरअसल उसी गाड़ी में चला गया था। क्या? जिस गाड़ी को हमने छुपा के रखा है? आए, या मेरे अल्लाह, हाय अल्लाह। लेकिन आपने मुझे गाड़ी लेके जाने से मना तो नहीं किया था? अगर आप मना करती तो मैं नहीं लेके जाता। जी आपा, आपने मैंने नहीं किया था, नहीं किया था। मुझे पागल मत बनाओ, क्या हर बात बताना जरूरी है अब? मेरे बेटे, तुम्हारी अकल में बात क्यों नहीं आती है? हाँ, नहीं आती मेरी अकल में। क्यों नहीं आती? पता नहीं, मेरा दिमाग आप लोगों की तरह नहीं चलता। क्या करूं मैं, बताएं मुझे। क्या करें, ब्रेन ट्रांसप्लांट करवा दें क्या? आप बहुत ज्यादा सुना रही है मेरे बेटे को आज। हकान, देखो अगर हमने ये मामला हल नहीं किया तो तुम और बरिश दोनों जेल में चले जाओगे। खुदा रहा इस बात को समझने की कोशिश करो, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? समझ गया हूँ टियो भाई, लेकिन हादसा मैंने नहीं किया तो फिर जेल क्यों जाऊंगा मैं, ये बताएं मुझे। अम्मी देखे ना। ठीक है आंटी, करवाते हैं। क्या? ब्रेन ट्रांसप्लांट, लेकिन किसी लड़की का दिमाग नहीं होना चाहिए, मर्द का होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि लड़का हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं अपना बेटा किसी को नहीं दूंगी, समझे आप सब? हाय मेरी बहन, तुम क्यों नहीं समझ रही, तुम्हारे बेटे के पास जरा भी दिमाग नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगी। टियो डियर, बरिश कैसा है? उसका हाल तो ना ही पूछें तो बेहतर है, मुझे तो डर लग रहा है कि किसी भी वक्त वो प्रोसिक्यूटर के पास ना चला जाए। प्रोसिक्यूटर? ओ पापा, कुछ करें। टियो, तुम मेरी मदद करोगे, इस लड़के पर दबाव डालेंगे हम। उस रात को ये याद करेगा, आज ये मामला खत्म होके रहेगा। मैं आपके साथ हूँ उसमें, जो करना है करें, लेकिन आज ही ये सब खत्म करें। चलो माकेलाल, हमारे पास आ जाओ तफ्तीश के लिए।